हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई की जो मलेशिया फुटबॉल के प्रेसिडेंट हैं, जो उनकी जो पागलपंती है ना, उन्होंने पागलपंती जो की है ना, उनके बारे में बात करेंगे। मुंबई सिटी आर लीडिंग द रेस फॉर द चेन्नई मिडफील्डर थापा, भाई थापा के लिए लीड कर रही है लेस टू साइन द टारगेट। जो तीसरा टॉपिक है जी दोस्तों, द कॉन्ग द किंग द डॉन मैनोलो मार्केस हैज अराइव्ड इन एफसी गोवा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑब्वियसली केबीएफसी के बारे में, जो दो तीन महीने पहले इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर अपील आ चुका है, उसके ऊपर डिसीजन, फाइनल डिसीजन आ चुका है भाई। एंड आई गेस इसके बाद और इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो यस जी दोस्तों, चारों टॉपिक्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे ये वाली वीडियो में। तो पहले बात करते हैं मलेशिया के बारे में। जी दोस्तों, कल ही खबर आई है रात को, तो भाई मलेशिया, ठीक है, तो मलेशिया को इनविटेशन मिला था भाई द वर्ल्ड कप चैंपियंस, वर्ल्ड कप चैंपियन अर्जेंटीना एंड ब्राजील के तरफ से, कि भाई हम एक आपके साथ फ्रेंडली खेलने चाहिए, ठीक है, हमें आपके साथ फ्रेंडली खेलना है। तो उसके चलते, ठीक है, उसके चलते जो मलेशिया का जो प्रेसिडेंट है डुटिक अमिदिन, ऐसा कुछ तो नाम है उसका, उसने बोला कि भाई वी आर, मतलब अब उससे कि हमारी जो नंबर वन रैंक्ड 138 टीम है मलेशिया, इज नॉट रेडी टू टेक ऑन फॉर ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो उसने क्या बोला कि हम लोग अभी रेडी नहीं है भाई आपके साथ खेलने के लिए। अरे मैं बोलता हूँ भाई, आप रेडी नहीं हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आप खेल लेते हैं ना भाई, यू हैड अ चांस ऑफ ब्राजील एंड अर्जेंटीना के साथ खेलने का। यहाँ पर हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस, मान लो, ठीक है, हम हमारी बात करते हैं, हम यहाँ पर मरे जाते हैं कि हाँ भाई कोई बड़ी कंट्री आता है उनके साथ फ्रेंडली खेले, आपको तो सामने से ऑफर मिला था, आपने मतलब ये कर दिया भाई, तो एटलीस्ट अभी पूरी पागलपंती की भाई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 15-0, 20-0 भी हार जाते क्या फर्क पड़ता। अगर मैं रहता ना यहाँ पर तो मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, चाहे मेरी टीम कुछ कितने गंदी तरह हारे, हम लोग को पहले फर्क नहीं पड़ता भाई। मेन ब्राजील और अर्जेंटीना ने इनविटेशन दिया तो व्हाई नॉट यू एक्सेप्टेड। हाँ ठीक है, अभी जो दूसरा फाइनेंशियल रीजंस रहेगा उसको अगर हटा दो तो बाकी तो देयर इज नो अदर रीजन ना भाई कि आप डिनाई करो। तो यहाँ पर फुल पागलबंदी की है भाई। मैं होप करता हूँ कि ऐसा इन्विटेशन हमारे इंडियन फुटबॉल को मिल जाए, मैं तो रेडी हो जाऊंगा भाई। एक्सेप्ट करो भाई, एक्सेप्ट करो, जैसी एक्सेप्ट करो भाई, एंड मुझे खेलना है, ठीक है। अब बात करेंगे जो दूसरा टॉपिक है जी दोस्तों, मुंबई सिटी के बारे में है। एंड कल ही रिपोर्ट आई है थापा के लिए, एंड मुंबई सिटी आर लीडिंग द रेस फॉर थापा। अगर आप पूरी स्टोरी के बारे में बात करें तो लास्ट सीजन में ना अनिरुद्ध थापा, मतलब उसको एक वन ऑफ द लुक्रेट ऑफर्स मिल रहा था। लुक्रेट ऑफर इसका मतलब है कि बहुत खतरनाक ऑफर मिल रहा था इन इंडियन फुटबॉल, मुंबई सिटी दे रही थी पैसा, लेकिन भाई मुंबई ये कल उसको थापा है उसने टर्न डाउन किया एंड उसने स्टे किया। और अभी एक ऑप्शन से चेन्नई एफसी के पास और थापा के पास, ऑब्वियसली चेन्नई एफसी या तो अभी बेचो और एकदम मस्त मालामाल हो जाओ, या तो नेक्स्ट सीजन फ्रीली बेचो, बिकॉज ये नेक्स्ट साल उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर चेन्नई एफसी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर चेन्नई एफसी हूँ तो मैं तो भेजूंगा इसको, मैं तो भेजूंगा और मैं बोलूंगा भाई कि इतने पैसे चाहिए मुझे, बिकॉज सी, हाँ चलो ठीक है, अभी बहुत मतलब चेन्नई एफसी ने बहुत ट्राई कर लिया भाई थापा के साथ, कुछ हो नहीं पा रहा है, बिकॉज थापा एक अकेला बंदा है जिसके जो अच्छा खेलता है चेन्नई एफसी में पूरा, ये तो उतना तो हो नहीं रहा है। तो एक काम कीजिए, अभी मूव ऑन कीजिए, जो थापा को बेच के जो पैसे मिलेंगे उसके ऊपर वही पैसे से ना नया प्लेयर साइन करने की कोशिश कीजिए ना, नए प्लेयर साइन करने की कोशिश किया। अभी मूव ऑन कीजिए, बिकॉज अब बहुत बकचोदी हो चुकी है, अब तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, ठीक है, तो थापा को है जाने दीजिए, मैं तो बोलूंगा। एंड डेस बकिंगम इज अ लॉट मोर बिगर एडमायर ऑफ थापा, एंड उसको चाहिए ही थापा, मैं तो बोलता हूँ थापा को ले लो मुंबई सिटी, मजा आ जाएगा भाई। तो ठीक है, जो तीसरा टॉपिक है जी हां दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग एफसी गोवा के बारे में। द डॉन द किंग मैनोलो मार्केस द बादशाह ऑफ मेकिंग द यूथ प्लेयर्स हैज साइंड फॉर एफसी गोवा फॉर 2 years। या दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है 2025 तक। अगर आपको पता रहेगा कि सुपर कप जब भी हो रहा था, सुपर कप और आईएसएल के बीच में जो थोड़ा गैप था ना, तभी ये खबर आ चुकी थी भाई कि मैनोलो मार्केस विल ज्वाइन एफसी गोवा। तभी ऐसा बोले थे कि 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, बट अभी इट इज कंफर्म कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड यू नो एफसी गोवा के अंदर, एफसी गोवा में अराइव हो चुके हैं हैदराबाद के एकदम खतरनाक कोच मैनोलो मार्केस। एंड अभी यहाँ पर एफसी गोवा फैंस डेफिनेटली होप कर ही देगी भाई हमारी जो टीम है वो अच्छे से परफॉर्म करे अंडर मैनोलो मार्केस। बट मुझे एक ही चीज कहने है भाई आपसे, आप गोवा फैंस है, सी ये थोड़ा सबर रखिए, ठीक है, थोड़ा सबर रखिए। अगर एक साल अच्छा नहीं जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, बिकॉज मैनोलो मार्केस एक ऐसा कोच है भाई कि पहला सीजन गंदा जाएगा ना, सेम हैदराबाद में होता, पहला सीजन इतना अच्छा नहीं था, बट सेकंड सीजन आपको ग्लोरी दिखाएगा, ठीक है। तो जस्ट पेशेंस रखिए आपके मैनेजर के साथ, और अगर कुछ गंदा हो जाता है तो ऐसा मत बोले कि भाई इसको सैक करो, ठीक है, जस्ट हैव पेशेंस एंड जस्ट ट्रस्ट मैनोलो मार्केस, वो आपको
फ्रूट देगा, वो आपको फल देगा भाई, वो आपको सक्सेसफुल का फल देगा। ठीक है, अब बात करेंगे जो चौथा टॉपिक है, जी हाँ दोस्तों, केबीएफसी के बारे में, जो 2-3 महीने पहले कांड हुआ था प्लेऑफ्स में अगेंस्ट केबीएफसी वर्सेस बीएफसी, तो उसके ऊपर ही आप सभी को आ जाएगी, फाइन मिला था केबीएफसी को, केएलआर वर्सेस एज अ क्लब को 4 करोड़ भरना था एंड इवान को 2 फाइन मिला था 5 लाख का एंड 10 मैच मैन। तो उसके ऊपर केएलआर वर्सेस के पास हक था कि भाई ये चैनल ये जो डिसीजन है उसको अपील कर सके एंड इसके अगेंस्ट जा सके, तो उन्होंने गया, उन्होंने अपील की भाई, लेकिन बस कल एक डिसीजन आ गया, एआईएफएफ ने बोल दिया कि भाई आपका जो भी अपील है, आपका जो भी रिक्वेस्ट है वो हम नकारते हैं एंड आपको फाइन देना ही पड़ेगा। केएलआर वर्सेस को 4 करोड़ फाइन देना पड़ेगा अभी, और इवन जो कोच है केएलआर वर्सेस का उसको 5 लाख पैसे भरने पड़ेंगे प्लस उसको 10 मैच बैन होगा। जी हां दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है एंड ये सब जो पैसे का क्राइटेरिया है ना, ये पैसे 2 हफ्ते में भरने हैं भाई, 2 हफ्ते में भरने हैं आपको ये फी, माना ये जो फी है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से डिसीजन बराबर था एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम अगर आप केएलआर वर्सेस फैंस को हटा दोगे ना, बाकी जो भी न्यूट्रल फैंस है, जो भी क्लब के फैंस है, जो भी इंडियन सब फैंस है ना, वो लोग यही बोलेंगे कि ये जो जो इन्होंने किया इवान ने वो गलत ही था एंड इन्होंने पे करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया गया है एंड देखो ऐसा जब भी नहीं होगा ना, ऐसा एआईएफएफ नहीं करेगी ना क्लब के साथ, तो फिर हर एक क्लब उठ के भाई मुंह उठ के ना करूंगा, मैं भी करूंगा भाई, मेरे को भी नहीं खेलना। तो दैट्स व्हाई ये डिसीजन अच्छा रहा भाई, हेफ्टी फाइन मिला एंड इसके बाद से कोई क्लब है ना डेयर भी नहीं करेगा, कोई हिम्मत भी नहीं करेगा ऐसा कर सके। ठीक है, हाँ रेफरी की गलती थी मानता हूं, बट ठीक है चलो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो यस इसी के साथ ये वीडियो एंड करेंगे भाई। ये वीडियो में हमने काफी बॉम्ब चीजें कवर की, तो खतरनाक चीजें कवर की। तो आपको क्या लगता है भाई, यहाँ पर चेन्नई एफसी फैंस, मुंबई सिटी फैंस भाई जरूर मुझे बताइए, जो मलेशिया ने जो पागलपंती की है उसके ऊपर भी आपके थॉट बताइए भाई एंड केबीएफसी फैंस और बाकी लोग फैंस भाई आपको क्या लगता है ये डिसीजन बराबर है ये फीस का? मेरे हिसाब से तो बराबर है भाई एंड ऑब्वियसली गोवा फैंस आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं भाई जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, कमेंट सेक्शन भर दीजिए एंड इसी के साथ ये वीडियो एंड करेंगे। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय, टेक केयर एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।